राजधानी देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए राज्य में 1170-229 पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं और इन सभी बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके आगे उन्होंने बताया कि सभी जनपदों में 208 वाहन की व्यवस्था की गई है जो दिव्यांग व्यक्तियों को बूथ तक लाएंगे और उसके बाद घर तक छोड़ेंगे। इसी क्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े 505 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से आवेदन किया था, जिसमें अभी तक 247 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान पूर्ण कर लिया है। साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े जिन लोगों ने आवेदन किया है वे 16 अप्रैल तक अपना मतदान कर सकते हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मतदान के दौरान हर बूथ पर ब्रेल आधारित सूचियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। ब्रेल आधारित बैलेट पेपर और ब्रेल आधारित निर्देशिका ये उपलब्ध कराई जा रही है। कुल संख्या जो है ब्रेल बैलेट की 13,480 उपलब्ध कराया गया है। सक्षम ऐप के डाउनलोड में देहरादून जनपद में 8,350, हरिद्वार जनपद में सक्षम ऐप के डाउनलोड 7,284 और नैनीताल जनपद में 5,897 पूर्ण किया जा चुका है। हमारे पास जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उसमें से 505 व्यक्तियों ने इस सुविधा का लाभ लेने के लिए इच्छा व्यक्त किया था। कल तक की जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है उसमें 247 व्यक्तियों ने अपना मतदान पूर्ण कर लिया है आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत, और अभी 16 तारीख तक ये व्यवस्था अभी और चल सकती है। 16 तारीख तक हम लोग को अंतिम संख्या प्राप्त हो जाएगी।